इंपेरेटिव में इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जा सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में वे होते हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, प्लीज से, काइंडली से, लेट्स से, लेट्स से, डोंट से या नेवर से शुरू होता है। जैसे देखिए एग्जांपल दे रखा है, रवि सेड टू माया प्लीज हेल्प मी। रवि ने माया से कहा कृपया मेरी मदद करो। ये रिक्वेस्ट के फीलिंग को दिखाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस में जो फर्स्ट चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि सेड टू के स्थान पर होता है, सेकेंड चेंज होता है वो इन्वर्टेड कोमा बिगिनर के जगह होता है, और बाकी चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। अब जो ए पार्ट है यहां हम चेंज देखते हैं सेड टू को भाव के अनुसार, कैसी इमोशन है, कैसी फीलिंग है स्पीच में उसके अनुसार। सेड टू को हम आदेश के लिए ऑर्डर या कमांडेड में चेंज कर सकते हैं, सलाह देने के लिए एडवाइज में चेंज कर सकते हैं, प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, और मना करने के लिए फॉरबेड में चेंज कर सकते हैं। अब आता है बी में चेंज यानी कि इन्वर्टेड कोमा बिगिनर में, इन्वर्टेड कोमा बिगिनर के साइन को टू में चेंज किया जा सकता है। बाकी आता है रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर के भाग में चेंज। तो यहां चेंजेस टेक प्लेस एज इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इन्वर्टेड कोमास के भाग के अंदर है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो भाग है उसमें चेंज लगभग वैसे ही होते हैं जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होते हैं। सीधा एग्जांपल, रवि सेड टू माया प्लीज हेल्प मी। प्लीज वर्ड आया है, रिक्वेस्ट को दिखा रहा है। ऐसा होता है तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, इन्वर्टेड कोमा बिगिनर की जगह टू यूज होता है। चूंकि हम रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर सके हैं, जो भी वर्ड यूज कर चुके होते हैं उससे रिलेटेड यदि कोई वर्ड उसी सेम फीलिंग को दिखाने वाला कोई वर्ड है तो उसे गायब कर देते हैं, प्लीज गायब हो जाएगा। हेल्प और मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट रवि के अनुसार चेंज होगा, मी आई का ऑब्जेक्ट केस है तो रवि यानी कि ही का ऑब्जेक्ट केस हिम वहां यूज होगा, आई माई मी ऑब्जेक्ट केस मी है तो ही इज हिम ऑब्जेक्ट केस हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधा नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉय, प्रिंसिपल ने कहा बैठ जाओ लड़को, प्रिंसिपल है ऑर्डर देगा, सेड टू है वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्टेड कोमा बिगिनर को टू में बदल देता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। ऑर्डर द बॉयज क्योंकि लड़कों को आदेश दे रहा है और क्या आदेश दे रहा है बैठने का, सिट डाउन एज इट इज यूज हो जाएगा। सीधा नेक्स्ट, रितु सेड टू हर सन Bring me a novel. रितु ने अपने बेटे से कहा मेरे लिए एक नोवेल लाओ, ऑर्डर है तो रितु ऑर्डर हर सन टू आ जाएगा। ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन है, रितु सिंगुलर फीमेल है, शी बनता है, शी का देखो आई का ऑब्जेक्ट केस मी है तो शी का ऑब्जेक्ट केस हर यूज में आ जाएगा और एन नोवेल है वो एज इट इज यूज हो जाएगा। राम सेड टू द बॉय, राम ने लड़के से कहा गेट आउट, किसी को आप गेट आउट कहते हैं तो क्लियर है कि ऑर्डर दे रहे हैं तो राम ऑर्डर द बॉय, इन्वर्टेड कोमा बिगिनर टू में कन्वर्ट हो जाएगा और गेट आउट है वो एज इट इज यूज हो जाएगा। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, राजू सेड टू माया टेक एक्सरसाइज डेली, राजू ने माया को कहा रोज कसरत करो, रोज एक्सरसाइज करो तो ये एडवाइज है तो राजू सेड टू एडवाइज में चेंज हो जाएगा, एडवाइज माया इन्वर्टेड कोमा बिगिनर को हम टू में चेंज कर देंगे और टेक एक्सरसाइज डेली एज इट इज आ जाएगा। द टीचर सेड टू रवि, टीचर ने रवि से कहा डोंट टच इट अगेन, इसे दोबारा मत छूना। अब देखिए किसी चीज को करने के लिए टीचर मना करता है तो ऑर्डर भी हो सकता है और मना ही भी हो सकता है। यदि डोंट वाले सेंटेंस में सेड टू को आप फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं तो डोंट हट जाता है और इन्वर्टेड कोमा बिगिनर की जगह हम टू का यूज करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड के अलावा सेड टू को आप किसी भी वर्ड में चेंज करते हैं तो डोंट हटने के बाद
इन्वर्टेड कोमा बिगिनर को हम नोट टू में चेंज करेंगे. सी दैट नंबर. द टीचर सेड टू रवि डोंट टच इट अगेन. इसे दोबारा मत छूना. द टीचर सेड टू को आपने फॉरबेड में चेंज कर दिया. द टीचर फॉरबेड रवि. फॉरबेड यूज करते ही डोंट गायब हो जाएगा. इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आ जाएगा. टू टच इट अगेन एज इट इज यूज हो जाएगा. अब देखिए द टीचर सेड टू को हम फॉरबेड की बजाय ऑर्डर में चेंज करते हैं. द टीचर ऑर्डर रवि. टीचर ने रवि को ऑर्डर किया. अब डोंट को ऑर्डर आते ही नॉट टू में चेंज कर देंगे. इन्वर्टेड कोमा को डोंट को रिमूव कर दिया जाएगा. नॉट टू टच इट अगेन एज इट इज यूज हो जाएगा. डिफरेंस सिर्फ इतना है सेड टू को फॉरबेड में यूज किया, डोंट रिमूव हुआ, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आया. सेड टू को ऑर्डर में चेंज किया, डोंट रिमूव हुआ, इन्वर्टेड कोमा की जगह नॉट टू का यूज हुआ. सी द नेक्स्ट वन. द प्रिंसिपल सेड टू बॉयज. प्रिंसिपल ने लड़कों को कहा नेवर अब्यूज अदर्स. दूसरों को गाली मत दो. एडवाइस है. द प्रिंसिपल एडवाइस द बॉयज नेवर टू. नेवर है नेगेटिव फीलिंग को है. टू से पहले आ जाएगा. टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म. तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म अब्यूज का यूज होगा और अदर्स एज इट इज आ जाएगा. सी द नेक्स्ट वन. द डॉक्टर सेड टू मी. तो डॉक्टर एडवाइज मी. इन्वर्टेड कोमा बिगिनर की हम टू का यूज कर देंगे. ईट सॉल्ट फ्री फूड एज इट इज आ जाएगा. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. रवि सेड टू माया लेट्स गो फॉर अ वॉक. लेट्स वाले सेंटेंस में सेड टू को प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज करते हैं. देखिएगा रवि सेड टू को हमने प्रपोज बना दिया. रवि प्रपोज माया. इन्वर्टेड कोमा को हमने डेट में चेंज कर दिया. याद रखिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई सा भी भाग यदि फर्स्ट पर्सन है तो हम लेट्स को गाइड करके वी शुड का यूज करते हैं. अदरवाइज दे शुड यूज होता है. यहां ना रवि ना माया फर्स्ट पर्सन है. हमने दे शुड का यूज किया और गो फॉर अ वॉक एज इट इज आ गया. सी द नेक्स्ट वन. राम सेड टू राजू लेट्स प्ले फुटबॉल. तो राम हम प्रपोज भी कर सकते हैं और सजेस्टेड भी. यहां हमने सजेस्टेड यूज किया है. राजू इन्वर्टेड कोमा बिगिनर की जगह डेट आ गया है. लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम दे शुड का यूज करेंगे और प्ले फुटबॉल एज इट इज आ जाएगा. आई सेड टू माया लेट्स गो टू मार्केट. तो आई सेड टू को हमने सजेस्टेड में चेंज कर दिया. आई सजेस्टेड माया. यहां देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो लेट्स को गायब करके हमने वी शुड का यूज किया है. इन्वर्टेड कोमा बिगिनर को हमने दैट में यूज कर लिया है. दैट में चेंज कर लिया है. लेट्स गायब करके फर्स्ट पर्सन होने के कारण वी शुड यूज किया है. यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन नहीं होता तो हम दे शुड का यूज करते और गो टू मार्केट एज इट इज आता है. सी द नेक्स्ट वन. रवि सेड टू मोहन लेट मी गो होम. अब देखिए जो लेट वाला सेंटेंस आता है वो रिक्वेस्ट को दिखाता है. तो रवि रिक्वेस्टेड मोहन. यदि आप इन्वर्टेड कोमा की जगह टू का यूज कर दें तो लेट मी फर्स्ट पर्सन रवि के अनुसार हिम और गो होम एज इट इज आ जाएगा. परंतु यदि आप इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट का यूज करते हैं तो लेट गायब हो जाता है और उसकी जगह ही माइट बी अलाउड टू का यूज होता है. देखते हैं इसी को चेंज करके. रवि रिक्वेस्टेड मोहन. इन्वर्टेड कोमास की जगह डेट का यूज करते हैं. लेट गायब हो जाएगा. हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे. ही माइट बी अलाउड टू लगा देंगे और गो होम एज इट इज यूज आ जाएगा. स्टूडेंट्स आशा है आपको आज इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं ये समझ में आ गया होगा. फिर भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन यदि
हिंट करता है, कोई भी क्वेश्चन यदि उठता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी पावर है। आप मुझे डॉक्टर मनोज पी परवा के नाम से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं 9th से 12th तक के और कंपटीशन एग्जाम्स के नोट्स बनाकर अपने नोट्स टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप उन्हें देख सकेंगे।